अहमद जनाब मोहम्मद शरीफ है। और सूबाई वजीर जनाब जुबैर भाई। आपकी इजाजत से अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना चाहूंगा। बात ये हो रही थी मोहतरम सूबाई वजीर साहब कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अगर सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया है तो खिदमत करने के लिए इस्तेमाल किया है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक। ये यूथ की इंगेजमेंट है, यूथ अच्छा फील कर रहे हैं अपने आप को, एक फौजीदारी में शामिल हो गए खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश। नेक्स्ट कीजिएगा, इत्तेफाक की बात है कि आपके दरमियान डॉक्टर फकीर अहमद साहब ही मौजूद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी सूबाई वजीर की कि वो फेसबुक पे खुद बैठकर लोगों को एनकरेज करें कि वो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज में रोल प्ले करें, लेकिन ये आपके सामने फेसबुक पे मतलब डॉक्टर फकीर अहमद साहब की स्लाइड है और इसमें वो जो फ्लड हिट एरियाज हैं उसमें डॉक्टर्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज लगा रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रोल प्ले करें। नेक्स्ट स्लाइड। ये इससे पहले तस्वीरें देखी है आपने? किसने देखी है ये तस्वीरें? हाथ उठा के बताएंगे मुझे। बहुत कम लोगों ने, जैसे मैंने भी नहीं देखी थी। ये वो एरिया जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक नहीं है लेकिन वहां खिदमत की गई। जलजले से हिट जिन इलाकों को जलजले ने हिट किया, ये वो इलाके हैं वहां ये शेल्टर बन भी गए और दे भी दिए गए। यहां इलाज हो रहा है और यहां पे मॉडल विलेज तैयार हो रहा है। लोगों को जलजले वाले इलाकों से या फ्लड रिलीफ कैंप से बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे उनके इलाके में मेडिकल की फैसिलिटीज, इवन ऑपरेट करने की फैसिलिटीज, यहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं मोबाइल हॉस्पिटल के अंदर। ये किसी और ने नहीं, ये यकीनन मेरे और आपके मुंतखब नुमाइंदों ने पॉसिबल किया। इल्म सबके लिए, क्या हो गया अगर जिंदगी में स्कूल तबाह हो गया? कैंप लगा के तलबा और तलबात की तालीम को कंटिन्यू करवाया। ये सब वो फैक्ट्स हैं जिससे या तो हम लोग वाकिफ नहीं थे या अगर वाकिफ हैं तो ये वो सोना है जो हम सही मार्केटिंग नहीं कर रहे और हमारा परसेप्शन खराब है। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऊपर दो पिक्चर मैंने इस पे लगाई है। ऊपर वाली पिक्चर में फूड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो कोई और कर रहा है, जैसे हम सदके का गोश्त जाके उछालते हैं। और नीचे एमक्यूएम का खासा डिसिप्लिन जिसपे लोगों को बहुत डिसिप्लिन से उठा के ये जो रिलीफ की गुड्स हैं ये दी जा रही है इज्जत के साथ, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बगैर। नेक्स्ट। कौन वाकिफ है इस चीज से? ये भी तो आपके मुंतखब नुमाइंदों ने किया। किसने एक्शन लिया था इस पे? इस जानते हैं इस बच्ची को? ये साहब यहां बैठे हुए जो पायरेट्स ने, सोमालियन पायरेट्स ने जिनको यरगमाल बनाया हुआ था, कैप्टन थे इस शिप के, इस पे एक्शन लेकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया और वो आपको इस वक्त गवर्नर इशरतुल इबाद साहब के साथ बैठे हुए इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं। इन चीजों से जितना इश्तिहार मिला, स्पीडी डेवलपमेंट, हैदराबाद का नक्शा बदला हुआ है। आज बहुत अच्छे के बाद हैदराबाद आया, कराची में मैं रोजाना घूमता हूं। अब यही सब कुछ नहीं, मैं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, प्रोफेशनल हूं, मेरे में ये शॉकिंग न्यूज आई कि एमकेएम के कनाडा के यूएसए के नुमाइंदों ने वहां कोशिश की है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट्स में एक्सेस अलाउ किया जाए, उनको उन मंडियों तक पहुंचने की इजाजत दी जाए। ये किसको पता है? मुझे भी नहीं पता थी, आपको भी नहीं पता। तो ये है कुछ ऐसे हकाइक जिस पे मैं यकीनन बहुत शर्मिंदा हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और आप लोगों से भी
कि मैंने शायद आज से पहले अपना रोल प्ले नहीं किया। अब ये तमाम फैक्ट्स मुझे मिले कहाँ से? आपके हाथ में इस वक्त हैदराबाद जोन ने, सेक्टर एच ने कुछ पेपर्स दिए, इसके तमाम वेब एड्रेसेस लिखे हुए, इन वेब एड्रेसेस में इन्हीं पर कमोबेश ये मुझे सारे फैक्ट्स मिले। मुझे कहीं और बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग नहीं करनी, 15 से 25 मिनट में ये तमाम फैक्ट्स जो कि आटे में नमक के बराबर है ये मिले। अब हम इसको अप टू डेट, अब हम साइबर वर्ल्ड में वॉर हो रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो हमें लड़ने के लिए ये अवेयरनेस भी तो चाहिए। आज के बाद आपसे कोई अगर इन टॉपिक्स पर बात करेगा तो कम से कम आपके पास जवाब तो है, आप दे रहे हो सकते हैं ना वहाँ पे, तो अब उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट वेबसाइट जाननी होगी। आपके हाथ में पेपर है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिखी हुई है, आगे कुछ लिंक्स भी लिखी हुई है। फेसबुक पे हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम क्या कर सकते हैं और ट्विटर पे हम क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। जो लोग जानते हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बात ये है इसकी इंपॉर्टेंस इस डिटेल्ड प्रेजेंटेशन की इसीलिए है कि फिर अगर सब हम जानते हैं तो फिर ये वाली कंसोलिडेटेड एफर्ट कैसे करें, सब मिलके कैसे एफर्ट करें। mqm.org मालूमात का, इंफॉर्मेशन का खजाना है। जब से लॉन्च हुई है उसके बाद से लेकर अब तक की तमाम इंफॉर्मेशन इस पर बड़ी अच्छी नेविगेशन के साथ पहुंची है। इसको रेगुलर विजिट कीजिए, ये अपडेट्स आपको यहां से मिलेंगे। नेक्स्ट पेज ना बात हो चुकी है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऑल अबाउट एमक्यूएम को नेक्स्ट पेज और आगे आते हैं फेसबुक पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल है, कोशिश करूंगा कि उन टूल्स के इस्तेमाल बताते हुए आपको इस प्लेटफॉर्म का हक भी अदा करूं कि वो परसेप्शन खत्म करने के लिए हम कैसे इस पर रोल प्ले कर सकते हैं। ऑल अबाउट mqm.org ये फेसबुक पेज है ऑफिशियल mqm का। इस पे आप नीचे एक सर्कल देख रहे हैं जिसमें 15,440 लिखा हुआ है। मेरे ख्याल है यहाँ पे 1000 का ऑडियंस मौजूद है, तो 15,440 है। आप में से कौन कौन इस पे पेज पे रजिस्टर्ड है? ठीक है 10%, मैं इसे 10% कहूंगा, तो 15,440 को कम से कम 16,000 की तारीख में हो जाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये क्यों कह रहा हूं? ये बात ये नहीं कि हमने अकाउंटिंग बढ़ानी है, बात ये कि उस चैनल से वो वाले ट्यून हमने ट्यून ही नहीं किया हुआ जहां से वो सारे अपडेट जो मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ वो मिल रहे हैं। तो जब ट्यून ही नहीं किया हुआ, हमारा टीवी ऑफ पड़ा हुआ है, तो हम अपडेट कहां से होंगे? जब अपडेट नहीं होंगे तो लड़ेंगे कहां से जाकर वो जमा साइबर में? नेक्स्ट मिनट रुको, अच्छा एक मिनट का और। मैं गुजारिश करती हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची तंजीमी कमेटी के मेंबर जनाब इरफान भाई से कि स्टेज पर मौजूद अपनी निशस्त पर तशरीफ लाइए। गुजारिश करती हूँ जॉइंट जोनल इंचार्ज जनाब जुल्फिकार भाई से कि स्टेज पर मौजूद अपनी निशस्त पर तशरीफ लाइए। जॉइंट जोनल इंचार्ज जनाब नवीद शमसी भाई से गुजारिश है कि स्टेज पर मौजूद अपनी निशस्त पर तशरीफ लाइए। प्रोफेसर इंजीनियर जनाब अब्दुल अलीम खानजादा साहब जो कि चेयरमैन है तालीमी बोर्ड हैदराबाद के, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर मौजूद अपनी निशस्त पर तशरीफ लाइए। ये आपके सामने फेसबुक पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऑफिशियल पेज है। सिर्फ इन पेजेस पे जाने से पहले एक दफा डबल श्योर कर लीजिएगा कि ये आप सही पेज पे जा रहे हैं कि नहीं। कुछ हमारे हमदर्दों ने मोहब्बत में कुछ पेजेस बनाए हुए हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे। कुछ हमारे दुश्मनों ने भी बनाए हुए जो कि इस ह्यूमन कैपिटल को कैप्चर करना चाहते हैं। वेलकम करेंगे। कहने का मकसद ये है कि इस पे डबल शोर हो जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऑप्शन पेज है, इसके अलावा कोई नहीं है। अंदर हॉल में हूं, पता नहीं 1 घंटे। अच्छा अब आते हैं फेसबुक के जो
कॉमन फीचर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्शन जो हमारे हमारे हमारा जो इमेज खराब है उसको सही अपना इमेज कम्युनिकेट करने के लिए कैसे होगा? आज आप यहाँ बैठे हुए साइबर लिटरेसी पे बात सुन रहे हैं, आज आप बहुत सारी चीजों से अवेयर होंगे ड्यू टू द परसेप्शन दे हैव गॉट, तो वो आपकी प्रोफाइल से उसको देख के कम से कम अवेयर हो सके। मैं शेयर को जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये विंडो खुलती और इसमें मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं अपनी वॉल पे भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ जो वीडियो मेरे सामने थी मौजूद, और वो वीडियो उस बात से भी इतनी बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं है कि डॉक्टर निशतुल्लाह खान साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भाई जनाब अल्ताफ हुसैन के नॉमिनेटेड गवर्नर है वो पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है, ये इम्तियाज भी मुत्तहिदा